भोपाल में कांग्रेस महिला मोर्चा ने कोरोना से मारे गए लोगों का पिंडदान किया। गायत्री शक्तिपीठ में आयोजित तर्पण कार्यक्रम में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल भी शामिल हुई और कहा कि कोविड से लाखों मौतें हुई हैं और कई परिवार तो ऐसे थे कि उनके यहां तर्पण करने वाला भी कोई नहीं बचा। तो कोरोना से मारे गए लोगों का तर्पण किया गया है, उनका पिंडदान किया गया है। कांग्रेस महिला मोर्चा की तरफ से इसका आयोजन किया गया, प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुई है। महिला कांग्रेस की तरफ से श्राद्ध के मौके पर ऐलान किया गया है कि जो भी कोरोना काल के दौरान दिवंगत हुए हैं उन तमाम लोगों को श्राद्ध के मौके पर तर्पण किया जा रहा है। इसके साथ साथ पिंड दान का भी कार्यक्रम का ऐलान किया गया था। मध्य प्रदेश के 25 जिलों में अब तक इस तरीके का कार्यक्रम हो चुका है और आज भोपाल के गायत्री मंदिर में भी महिला कांग्रेस ने कार्यक्रम करा है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मैम, तर्पण किया जा रहा है जो दिवंगत हुए हैं कोरोना काल के दौरान। देखिए, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने ये बीड़ा उठाया है कि पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हमारी महिला जो बहनें हैं वो तर्पण का कार्यक्रम करेंगी। कोरोना काल में ऐसे कई परिवार ऐसे थे जिनके परिवारों में कोई बचा ही नहीं और हर कोई काल कवलित हो गया, तो ऐसे लोगों के लिए कोरोना में जो मृत आत्मा है उनकी शांति के लिए तर्पण किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और यहाँ पर जो गौ माता है उनकी पूजन का भी रखा गया है, गौ माता की पूजन करके और उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि देने हम उपस्थित हैं। ऐसा तो नहीं है कि तर्पण के बहाने, पिंडदान के बहाने आप लोग सियासत को आपके मुद्दे को, क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना में जो मौतें होती उसको लेकर कमलनाथ जी ने भी काफी हंगामा करा था और बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि आंकड़े छुपा रहे हैं, कांग्रेस ने भी करा, यूथ कांग्रेस और अब महिला कांग्रेस। देखिए, हमारा हंगामा करना मकसद नहीं है, हम लोग जो भी करते हैं पूरे मन से करते हैं, समर्पण से करते हैं, इसलिए हम तर्पण करने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसमें सियासत करने वाले जो लोग हैं सिर्फ भाजपा के लोग हैं जो सत्ता के लालची हैं। तो ये देख सकते हैं आपके महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल जो बता रहे हैं कि 25 जिलों में अब तक के इस तरीके का कार्यक्रम तर्पण और पिंडदान का हो चुका है और इसका साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इसको सियासत से ना जोड़ा जाए क्योंकि कई लोगों की मौत हुई जो पिंडदान भी नहीं कर सकते उनके परिवार के लोग और ना ही तर्पण कर सकते क्योंकि परिवार के परिवार तबाह हो गए थे कोरोना महामारी के दौरान। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्राहम, न्यूज 24 भोपाल।